الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، قرآن کی اس آیت میں ایک علم کا تذکرہ ہے، علم و ادب کا تذکرہ ہے. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. فرمایا دنیا میں ایک علم ایسا بھی ہے کہ ان کا علم زندگی کے ایک حصے تک محدود ہے، اس سے آگے ان کا علم تھک چکا ہے، پنچر ہو چکا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اس علم کے وہ اس علم کو رکھنے والے اور اس علم میں پرورش پانے والے، ان کے ہاں 60-70 سال 80 سال کی زندگی تو اس علم میں نظر آتی ہے، لیکن ان کا علم تھک چکا ہے آخرت کی زندگی دیکھنے سے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ انہیں اس زندگی کے بارے میں شک ہو گیا ہے کہ وہ زندگی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. بل ہم من عمون، بلکہ وہ تو اندھے ہو چکے. اب یہ ایک علم دنیا میں اس وقت رواج پا چکا ہے اور ان کے ہاں ایک کامیابی کا نقطہ نظر ہے، اور وہ کامیابی کا نقطہ یہ ہے کہ للذین آمنوا، قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. جن کے پاس یہ علم ہے ان کے ہاں کامیابی کس کا نام ہے؟ کامیابی کا بھائی میرے طرف دیکھو، بھائی اس بچے کو نا باہر لے جائیں، کونے پہ کہیں بٹھا دیں، توجہ ادھر ہو بھائی. تو ایک کامیابی کا نقطہ نظر جو ہے وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ اور وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں ٹھاٹ کی زندگی جو گزار رہا، جس کی زندگی کا معیار بہت اچھا، جس کا گھر اچھا، جس کی گاڑی اچھی، جس کا سازا سامان اچھا، وہ کامیاب ہے. وہ ایک کامیاب شخص ہے، وہ کامیاب زندگی ہے. یہ کامیابی کا معیار ہے ان لوگوں کے ہاں جن کا علم آخرت کی زندگی کے بارے میں تھک چکا ہے، اور انہیں اس علم سے صرف 60-70 سال کی زندگی نظر آتی، ان کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے. وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. کامیاب تو ہم ہیں،
हमारी जगह अच्छी, हमारी रहायश अच्छी, हमारी सोसाइटी अच्छी, हमारा मुल्क अच्छा, हमारे यहाँ तरक्की के सारे नक्शे मौजूद हैं, कामयाब तो हमें। उनका कामयाबी का मेयार है। और मेरे अजीजों, आज दुनिया में इसी इल्म को रिवाज मिला है और यही कामयाबी का मेयार दुनिया में आज ठहरा है। आज दुनिया में कामयाबी का मेयार भी यही ठहरा है। आज कोई भी शख्स जब अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है तो उसका मेयार यही है। और कोई भी शख्स ऐसी जिंदगी गुजार के जाता है तो लोग कहते हैं बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार गया। आज दुनिया में इसी इल्म को रिवाज मिला है और कामयाबी का यही मादी नुक्ता नजर मेयार ठहरा है, ये शख्स बड़ा कामयाब है। और सारी दुनिया की तारीम आज इसी के गिर्द घूमती है, तुम अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकते हो। और सारी तालीम का महवर यही मादी नुक्ता नजर है, कामयाबी का यही मादी नुक्ता नजर कि तुम्हारा जिंदगी का स्टेटस, तुम्हारी मियारी जिंदगी, तुम्हारी सवारी, तुम्हारी रहायश, तुम्हारे यहां का रहन सहन का अंदाज, सारा इल्म का आज हासिल यही है। अल्लाह कह रहा है ये नजरिया कुफार का है और ये कामयाबी का नुक्ता नजर भी कुफार का है, ये कुफार का है। उनके यहां कामयाबी इसी का नाम है कि एक अच्छी ठाट की जिंदगी उसकी ये जिंदगी गुजरे, ये कामयाबी है, ये कामयाबी, ये कामयाबी। और जिसके पास ये जिंदगी नहीं है उसे ये नाकाम समझते, वो मुल्क नाकाम, वो फर्द नाकाम, वो माशरा नाकाम, वो सोसाइटी नाकाम, तो ये उन लोगों के यहां कामयाबी का मेयार है जिनका इल्म तंग नजरी वाला, जिनका इल्म से तंग नजरी पैदा होती है कि वो 60-70 साल के बाद उनका इल्म आगे जाकर थक जाता है। बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा थक क्या जाता है, पंचर हो जाता है, आगे गाड़ी चलती नहीं। उनके यहां ये कामयाबी का नुक्ता नजर है, ये बहुत अहम बात है और बहुत जरूरी बात है। बदकिस्मती है मेरे अजीजों, आज दुनिया में यही इल्म रिवाज पा चुका है और यही कामयाबी का मेयार ठहरा है, यही कामयाबी का मेयार ठहरा है। और जो जो इस कामयाबी के पीछे लगा है वही समझदार ठहरा है, वही अकलमंद ठहरा है, वही खुशनसीब ठहरा है, उसी की इकबाल बुलंद है। और जो इसी मादी कामयाबी के गुरु बताए, रहनुमाई करे, वो बड़ा खैरखा समझा जाता है, बड़ा दानिशमंद समझा जाता है, बड़ा मोहसिन समझा जाता है। और जो इसी जिंदगी को संवारने के लिए खिदमात पेश करता है उसे खिदमत खल्क का सबसे बड़ा एजाज मिलता है। लेकिन पैगंबर, जिनके पास अल्लाह का इल्म होता है, जिनके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है, जिनका इल्म वसी और नजर की सलाहियत पैदा करता है, जिनके इल्म से दूर अंदेशी आती है, जिससे आदमी रोशन ख्याल बनता है, जिस इल्म से आदमी दूर अंदेश बनता है,
उनके यहां कामयाबी का ये मियार गलत है। और कुरान कहता है कि अगर यही कामयाबी होती, वकम अहलकना कबलहुम मिन करनिन हुम अहसनु असासम वरिया, ये देखने में बड़े तरक्की याफ्ता लगते थे, इनके पास बड़े साधो सामान था, हमने इन्हें तबाहो बर्बाद कर दिया। ये तो कामयाबी नहीं। एक शख्स इसी दुनियावी मियार के साथ और इसी मादी नुक्ता नजर की कामयाबी के साथ जब अपनी खुशहाल जिंदगी के साथ बाहर निकलता है, فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قال, जब इसकी ये कामयाबी देखी तो जिनका कामयाबी का मेयार ही यही था, कहने लगे वाह वाह क्या खुश नसीब है ये तो, क्या खुश नसीब है ये तो, कितने इसके तो इकबाल बुलंद हैं, हाय काश कि हमारा भी ऐसा ही बंगला होता, ऐसी नौकर चाकर होते, ऐसी गाड़ी सवारी होती, ऐसा ही शानो शौकत की जिंदगी होती, या लई दलना मिसलमा ऊतिया कारून, काश कि ये सब कुछ हमें भी मिला होता। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बड़ा नसीब वाला है। सुभान अल्लाह। वकाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनके पास नबूवत की रोशनी थी, जिनके इल्म में नबूवत का फेज था, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बसीरत अता फरमाई थी, जिन्हें अल्लाह ने दूरअंदेशी अता फरमाई थी, जिन्हें अल्लाह ने अकले सलीम अता फरमाया था, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाकई वो इल्म अता फरमाया था जो जिंदगी की सही तस्वीर सामने रख देता। وقال الذين اوتوا العلم ويلكم, जब उन्होंने ये बात देखी तो कहा ويلكم, सत्यानाश हो तुम्हारा, सत्यानाश हो तुम्हारा, तुम किस चीज पे रश कर रहे हो और किसे तुम कामयाबी समझ रहे हो, तुम्हारे यहां कामयाबी का ये मेयार कितना गलत है, तुम्हारी अकल पे तुम्हारी अकल की सत्यानाश हो। वही लखुम, मेयार क्या है कामयाबी का, सवाबुल्लाह खैरु लिमन आमन व अमिल सालिह, सवाबुल लिमन आमन व अमिल सालिह, कामयाबी का मेयार क्या है, वो शख्स कामयाब है झोंपड़ी में रहता है, कोठी में रहता है, फटे पुराने पहनता है, जरक बर्क पहनता है, फकरो फाका में रहता है, दस्तरखान पे खाने सजे हैं, पहनने के लिए नहीं है, अल्लाह ने बहुत दे रखा है, लेकिन कामयाब कौन है, जिसके पास ईमान और नेकी की जिंदगी हो, चाहे वो झोंपड़ी में है, चाहे वो कोठी में है, चाहे वो फकरो फाका में है, चाहे वो खुशहाल है, चाहे खाने के लिए बहुत कुछ है और चाहे दस्तरखान खानों से खाली है, खैरु लिमन आमन व अमिल सालिहा, अरे ये कामयाब है, कामयाबी ये है। लेकिन बताइए आज कामयाबी के मेयार कितने गलत हो गए, और कुफार का वो कामयाबी का नुक्ता नजर आज कैसे सर चढ़ के बोल रहा है, मुसलमानों के यहां भी कामयाबी का नुक्ता नजर वही जो कामयाबी का नुक्ता नजर मगरिब की तालीम ने, मगरिब के अदब ने मुसलमानों में रिवाज दे दिया, इसके यहां भी कामयाबी का मेयार वही। लेकिन जिस खुश नसीब के पास नबूवत का फैज है, नबूवत की रोशनी है, वही का नूर मौजूद है, वो समझता है फमन जुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फकद फाज, कामयाब देखना हो तो उसे देखो जो जन्नत के रास्ते पे चलता है, जन्नत जा पहुंचता है, जहन्नम के रास्ते से बचता है, जहन्नम से महफूज हो जाता है। अल्लाह कह रहे फकद फाज, ये कामयाब हो गया।
ये कामयाब हो गए, ये है कामयाबी। जब कामयाबी का मेयार और पैमाना गलत हो जाता है ना, एक क्या कामयाबी का है 60-70 साल की जिंदगी को अच्छा गुजार लेना, और एक क्या कामयाबी का है खरबों साल की जिंदगी संवार लेना। तो जब दोनों में फर्क है मेयारों में, तो बताइए जिंदगी के फैसलों में कितना फर्क हो जाएगा। जिंदगी के फैसलों में, तरजीहात में कितना फर्क हो जाएगा, बच्चों की तालीम और तरबियत में और जिंदगी की तरजीहात में कितना फर्क हो जाएगा। एक आदमी 60-70 साल को सामने रखकर अपनी जिंदगी की तरजीहात तय करता है और अपनी जिंदगी के मकासिद को सामने रखता है, और एक आदमी खरबों साल की जिंदगी को सामने रखकर अपनी तरजीहात रखता है, तो बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क, जमीन और आसमान का फर्क। तो मेरे अजीजों, मगरिब की तालीम का रिवाज है, उसका अदब को फरोग मिला है, और बदकिस्मती है मुसलमान कहलाने वाले भी आज आज नबी की रोशनी से बहुत दूर निकल चुके, नबी की जिंदगी से और उसके फैज लेने से बहुत महरूम हो चुके। इसलिए इस मुसलमान की जिंदगी और काफिर की जिंदगी की तरजीहात में फर्क नजर नहीं आता। इसलिए एक मुसलमान और काफिर के बच्चों की तालीम और तरबियत में फर्क नजर नहीं आता। इसलिए एक मुसलमान की तर्ज जिंदगी में और एक काफिर की तर्ज जिंदगी में फर्क खत्म हो चुका है, इसलिए कि दोनों का मेयार जो एक हो चुका है कामयाबी का, इसलिए कि दोनों के यहां कामयाबी का फिक्र जो एक हो चुका है, तो जिंदगी का अंदाज भी एक जैसा है। इसलिए मुसलमानों के यहां आज जो नई नस्ल के हीरोज हैं और कामयाब अफराद हैं वो कौन है, वो वही हैं जिन्होंने मादी जिंदगी के अंदर कामयाबी पाई, और इस मादी नुक्ते नजर के ऊपर बुलंद मर्तबे पर फायज हुए। वो नहीं है जिन्होंने जन्नत कमाई है, वो नहीं है जिन्होंने आखिरत संवारी है, वो नहीं है जिनका खात्मा ईमान और आला नेकी पर हुआ है, वो आज हीरोज नहीं है। तो मेरे अजीजों, इल्म गलत हो गया, इल्म गलत हो गया, कामयाबी के मेयार गलत हो गए तो जिंदगी के फैसले गलत हो गए। इल्म गलत हो गया, कामयाबी का मेयार गलत हो गया, जिंदगी के फैसले गलत हो गए। सारे फैसले इसको सामने रख के किए जाते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम अल्लाह तजाली दुनिया अकबर हम्मिना, ए अल्लाह दुनिया मेरा गम ना बनने देना, दुनिया मेरा गम ना बने। ये दुनिया तो हकीकत में उस जिंदगी को संवारने के लिए अल्लाह ने दी है, वरना इसकी कोई हैसियत नहीं है। आदमी इम्तिहान की तैयारी इसलिए करता है कि कामयाब हो जाए, अगली क्लास में चला जाए, लेकिन बताइए जब ऐलान हो जाए कि आपको अगली क्लास में शिफ्ट कर दिया जाएगा, इम्तिहान की तैयारी करेगा? इसलिए कि असल मकसद तो अगली क्लास में शिफ्ट होना था, कामयाब होना था, असल मकसूद तो था ही जिंदगी का आखिरत है। ये तो सिर्फ और इसका एक जरिया है। तो मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी के फैसलों में इस नुक्ते को सामने रखना। आज हमारे यहां कामयाबी का मेयार मकसद गलत हो गया, जिंदगी का मकसद ही गलत हो गया,
और जब अपने बच्चों के लिए फैसले करते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए फैसले करते हैं, यकीन जानिए इसी मियार को सामने रखते जो कुफार ने आज दुनिया में रिवाज दिया कि अच्छी जिंदगी गुजर जाए, खुशहाल जिंदगी गुजर जाए, जिंदगी का मियार अच्छा हो जाए, इसका इनकार नहीं, लेकिन असल मकसूद उसका ईमान अच्छा हो जाए, उसकी आखिरत अच्छी हो जाए, उसकी दीनी जिंदगी अच्छी हो जाए, यही वजह है। ये एक फरीजा है, ये एक फरीजा है माँ बाप पर, ये एक जिम्मेदारी है घर के सरबरा पर, ये एक फरीजा है माँ बाप पर, ये एक जिम्मेदारी है घर के सरबरा पर कि वो अपने बच्चे को वो तालीम दे, वो तरबियत करे जिससे उसकी खरबों साल की जिंदगी संवर जाए। ये फरीजा है। अगर आप कहेंगे नहीं बच्चे आजाद है जो मर्जी करें, तो बताइए कि आप उसे आजादी देते हैं कि जहर खाए या मीठा खाए, क्या आप उसे आजादी देते हैं कि वो अपने घर से खाए या डाका मार के खाए। वहां तो आप कहते नहीं खैर खाई ये है कि उसकी मदद की जाए और उसकी रहनुमाई की जाए। तो भाई जब तक वो माँ के माता है और वो आपकी औलाद है, आपको अल्लाह ने उनका सरबरा बनाया है, आपको उनका जिम्मेदार बनाया है, फिर आपका ये फरीजा है खुदा के लिए उन्हें वो तालीम दो, ऐसी तरबियत करो जहां उनके कामयाबी का मेयार ठीक रहे और उनके लिए वो फैसले करो जिससे वो खरबों साल की जिंदगी को संवार सके। यही औलाद के साथ खैरखाई है, यही औलाद के साथ हमदर्दी है। इस नुक्ते नजर को सामने रखकर हम अपनी जिंदगी के फैसले रखें कि एक कामयाबी का मेयार काफरों के यहां है कि दुनिया की जिंदगी बड़ी खुशहाली और मेयार की हो, और एक नुक्ते नजर कामयाबी का ईमान वालों का है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फकद फाज, जो जहन्नम से बचा जन्नत में चला गया ये कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ भी नसीब फरमा दे, सिरात मुस्तकीम भी नसीब फरमा दे, और इसी पर अल्लाह हम सब का खात्मा भी फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।